केडीएस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। लाइफ हाई बना है एक बार आज फिर से और 25,000 के ऊपर निकला भी है निफ्टी। बताएं सर, पहले तो बाजार पे क्या व्यू बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर? तो अनिल जी, पहले आपको बधाई, 25,000 की बोली सबसे पहले आपने लगाई और पूरी हो गई। धन्यवाद सर, बिल्कुल। और वैसे बजट के वक्त आप कह भी रहे तो इसके बाद के एक बड़े बाउंस बैक के लिए तैयार है मार्केट, और इस वक्त शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो बाउंस बैक आ भी रहा है, बताएं इस बाउंस बैक में कितना दम है, कितनी ताकत है, कितना ऊपर जा रहा है, और अगर वापस ऊपर शॉर्ट करना है तो कहां करना ठीक रहेगा? तो तीन चार बिंदु हैं अनिल जी। एक तो बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स बढ़ाने की घोषणा की जी, उस टैक्स से नाराज होके लोगों ने दबा के शॉर्ट सेल कर दिया, पूरे मार्केट ने, सारी गांव दुनिया शॉर्ट हो गई और लोगों ने पहले टैक्स भर दिया नुकसान लेके। तो एक शॉर्ट स्क्वीज पे जो बाजार बढ़ता है, किसी पॉइंट पे जब जाके वो शॉर्ट्स कट जाएंगी तो बाजार खोखला हो जाता है। एक मार्केट जिसमें शॉर्ट्स मेंटेन रहती है उसमें टाइम टू टाइम गिरावट आने पर फिर से रिबाउंड आते हैं। तो अगला फॉल जब भी तैयार हो पाएगा, मुझे लगता है एक सीधी लकीर में वापस हम 24,000 तक गिरेंगे। और पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन को शेयर रखें, मैं दो महत्वपूर्ण चार्ट्स आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात अनिल जी, चार्ट पे आने के पहले, कल रात को अमेरिका के बाजार ने एक तगड़े रीबाउंड की पुष्टि कर दी है। मैं अभी भी उसे रीबाउंड ही कह रहा हूं, क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स बहुत शार्पली शूट अप करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ फेड। फेड अगर शांत भी रहेगा तो ईरान हंगामा कर देगा। इस संसार में बड़ी समस्याएं हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स की जो चार्ट है वो इंडिकेट कर रही है कि अमेरिकन बाजारों में अगस्त सितंबर में और बड़ी गिरावट आएगी इस रीबाउंड के बाद। तो चार्ट पे चलने के पहले एक बात आपसे थोड़ी हंसी मजाक में कर लूं, अगर अमेरिका के बाजारों में थोड़ी शांति सी आ गई है और पड़ोसी ने अपनी लुगाई से झगड़ा करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर में सावधानी नहीं रखें। सबके घरों में एक साथ प्रेम, एक साथ क्लेश जरूरी नहीं है। अमेरिका के रिबाउंड में भी निफ्टी जितनी ओवरबॉट है, ये चार्ट देखिए जो बीएसई 500 इंडेक्स डिवाइडेड बाई सेंसेक्स मल्टीप्लाइड इंटू 100, इसको हम अपने यहां इंटरनली फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स कहते हैं। और इतनी निफ्टी न्यू हाई पे आने के बावजूद भी ये रेशियो रिफ्यूज कर रहा है न्यू हाई पे आने के लिए, और ये जो पैटर्न्स हैं, जो कोनिकल पैटर्न जो बन गया, तो बी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो अब तैयार नहीं है और ऊपर जाने के। और मुझे आने वाले 2 से 3 सप्ताह में लगता है कि बी ग्रुप सीरियसली अंडर परफॉर्म करेगा ए ग्रुप के फ्यूचर्स के स्टॉक्स को, सेंसेक्स को, और ये प्रीकर्सर होता है ब्रॉड मार्केट की मूव का। तो मेरा फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स साथ नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे 100 रुपए की नई तेजी करूं। तो हमने अपने निवेशकों को यही सलाह दी है, 100 रुपए का नया माल लेने से पहले 125 रुपए का माल बेचो। तब अगर मैं आ जाऊं निफ्टी इंडेक्स पे, तो ये निफ्टी की भी चार्ट पीसीआर कृपया होने दें। देखिए, मैं 25,200 की संभावना नहीं है, बोलना गलत होगा, बाजार करने को कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जब भी हमें सिग्नल मिलेगा हम अब निफ्टी को शॉर्ट ही करेंगे, नहीं है तो 100-200-250 पॉइंट छूट जाएंगे, ऊपर के छूट जाएंगे। मुझे वापस एक बार 20,900 तक आने की संभावना दिखती है। और ये काम हम कब करेंगे, जब 24,900-920 के नीचे किसी भी दिन बंद दे देगा, चाहे आज, कल, परसों, उसके बाद हम 1,000 पॉइंट की निफ्टी की मंदी की एक एक ट्रेड लेंगे। और हो सकता है कि बाद वापस एक बार 25,400 आ जाए। जो ट्विटर पे हमें दवा के ट्रोलिंग की जा रही है, जो पिछली बार मैंने कहा 21,000 तक की संभावना है, उसमें विलंब हो सकता है, संभव है, असंभव नहीं है, और ट्रोलर्स को भी काम करने मिले, हमको भी मिले। ट्रोलर्स का बड़ा ध्यान रखते हैं केड़े साहब, एकदम ध्यान सब करना पड़ता है साहब। आपको इतना टाइम मिल जाता है केड़े साहब के सबके ट्वीट ट्वीट पे मैसेज पढ़ने का, रिप्लाई पढ़ने का? हमारा तो हो ही नहीं पाता सर। सर, सबके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कलाकार है ना, हाँ। कि एक आध ऐसी ऐसी ट्वीट आ जाती है जिसे पता चल जाता है उत्तेजना बहुत है, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, हंसे या हराज। एक चावल देख के आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई सारे पके की नहीं, मतलब एक दो ट्वीट से अंदाजा लग जाता है कहाँ किसको मिर्ची लगी है, राइट? बिल्कुल। बिजनेस ही ऐसा है ना, फटाफट बेसिक डेटा को देख करके जनरलाइज करना। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निफ्टी बैंक निफ्टी में बताई और ग्लोबल मार्केट पे भी, तो यानी कि ऊपर में बेचने का मौका तो है ही, बेचने में पसंद क्या है आपको, क्या अगर स्टॉक्स में बेचना हो इंडेक्स के अलावा
तो कहां बेचना चाहिए, क्या बेचना चाहिए? देखिए, इंफोसिस में जितनी घातक खबर कल आ गई और हमने ट्विटर पे भी बड़ा एक्सटेंसिव एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था 2 दिन पहले, हमें लगता है इंफोसिस, हम तो खबर के हिसाब से चलते नहीं, सिर्फ चार्ट पे चलते हैं। जिस दिन ये इंफोसिस की चार्ट 1780 का लेवल तोड़ देगी, उसके बाद हमारे को 1200 भी टूट गया तो इस साल में लगता है 1200, और अगर 1200 कोई कारण से टूट गया नवंबर दिसंबर में तो हो सकता है अगले साल 700 भी हो जाए। एक साइक्लिकल टॉप बन रहा है, और साइक्लिकल टॉप पे अगर चाहे खबर वाहियात ही है, लोगों का ये मत है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ओवररीच कर रहा है, तो ओवररीच अगर हो चुकी है तो खाली एक लेटर वापस लिख देने से जीएसटी डिपार्टमेंट ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा देखा नहीं है। डेल्टा कॉर्प का और गेमिंग इंडस्ट्री का अड़ंगा आज तक चल रहा है, कोर्ट कचहरी में मामला लंबा खींचेगा। और फिर क्या है कि जब एक साइकिल पूरी हो जाती किसी स्टॉक की तो सीक्वेंस ऑफ बैड न्यूज बन सकती है, तो खबरों पे ना जाएं, भाव पे चलें। भाव बिल्कुल परिपक्व है इन्फोसिस के, और साथ में इस तरह की अगर बैड न्यूज पे आज एक दिन अगर स्टॉक हेजिटेंट भी है, 1-2 दिन में बड़ी कमजोरी से अगर बंद हो जाएगा तो इसको शॉर्ट करेंगे। दूसरी चीज अनिल जी, आईटीसी पे जो मैं आपके साथ कुछ दिनों पहले थोड़ा हेजिटेंट था कि आईटीसी छोड़ के हम बाकी सारे एफएमसीजी में अपनी लॉन्ग्स को बरकरार रखेंगे, तो देखिए उसके बाद आईटीसी साइडवेज रन कर गया है, और आज अगर ये इस रेंज के नीचे बंद दे देता है, आज अगर 495 के नीचे बंद दे देता है तो आज ही क्वालिफाइड शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो 2-1 दिन में 490-91 के नीचे बंद दे देता है। हमें कम से कम 400 का भाव लगता है, और 400 पे भी हो सकता है हम बड़े संभल कर उस टाइम डिसाइड करेंगे कि 400 पे लेना है कि 350 में। इंफोसिस है, आईटीसी है, मैं ब्रॉडली सुशील जी इंफोसिस पे आप बड़े एग्रेसिव टारगेट दे रहे हैं 700 रुपए के। सर मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, टारगेट तो देखिए सिर्फ सेल्समैन का होता है, और टिप खाली रेस्टोरेंट के वेटर को मिलती है। मैं तो मानसिक रूप से खुल गया हूँ कि इंफोसिस में उतनी जगह बन सकती है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप खेलेंगे। मतलब 700 रुपए और घट सकता है, यहाँ से 1200 रुपए की तरफ जा सकता है अगर घटे तो। यहाँ से शुरू वहां खत्म, ये जो तेजी की चाल हमने 1200-1300 में पकड़ी थी, यहाँ से 1360 में ये लेवल टूट जाएगा, ये तो सिर्फ चार्ट देख के कह सकते हैं। जीएसटी की खबर हो सकता है इसके ऊपर में और रंग आ जाए तो ये रफ्तार पकड़ जाएगी। बात पिछली बार बुलिश थे एफएमसीजी पर, बुलिश थे अदानी ग्रुप के शेयरों पर, अभी भी हैं सर? बस तो अगर अब कोई जगह बची है बाजार में जहां 100 रुपए का पहले दूसरा माल बेचने के बाद 100 रुपए का नया लेंगे तो शायद वो अडानी के ही स्टॉक्स में लेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। बाद बाकी चाहे वो मेटल्स में भी एक थोड़ा रीबाउंड अभी भी चल रहा है, अपनी बात हुई थी कॉपर, देखिए ऊपर से 24% गिर गया हाई से, तो कॉपर में एक बार 5-8% का और यहां से 10% का रीबाउंड बन सकता है, वो बिल्कुल भी असंभव नहीं है। उसके बाद फिर से धुलाई होगी, तो इस रीबाउंड में कहीं हिंडालको, नालको, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक 5-7% और बढ़ जाए तो हमको उसकी चपेट में नहीं आना, हम इंतजार करेंगे। मेटल्स को भी हम रुक के बेचने का ही रुक है, मतलब लेके कहीं शांति से 15-20 दिन बैठा जाए तो वो अडानी के स्टॉक के सिवा और कहीं पे भी चार्ट पे मतलब नजर को सुकून नहीं मिल रहा, हर जगह चिंताजनक चार्ट से। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। केडिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपना बाजार पर और स्टॉक्स पर डायरेक्शन देने के लिए। तो सावधानी की सलाह देते हुए केडिया साहब, और ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करने के जब भी संकेत आए बिल्कुल उस पर अमल करें, ये उनकी है राय। आइए एक छोटे से ब्रेक का